नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरे चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है, एकादशी व्रत करने से क्या फायदा होता है, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कौन सी है, एकादशी व्रत के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है और एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है। एकादशी एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो व्रत महीने में दो बार आता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो आम तौर पर एकादशी के दिन सूर्योदय से व्रत शुरू करते हैं और अगले दिन सूर्योदय पर व्रत समाप्त करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी को बेहद पुण्यदायी माना गया है और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के कई संकट टल जाते हैं। अगर एकादशी के दिन दान पुण्य करते हैं तो जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परेशानियां नहीं आती हैं। जो व्यक्ति विधि अनुसार एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि मानी गई है। एकादशी व्रत धर्म के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को समाप्त करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या फायदा होता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्धि होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। और मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि भी माना गया है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से हवन यज्ञ और वैदिक धर्म कांड से भी अधिक फल मिलता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कौन सी है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और साधक के पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी की मंजरी धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से इंसान के पाप एवं महापाप सभी नष्ट हो जाता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। एकादशी के दिन वायुमंडलीय दबाव अपने सबसे निचले स्तर पर होता है और इसीलिए यह उपवास के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इससे व्यक्ति को कम से कम असुविधा होती है। एकादशी उपवास पाचन तंत्र को साफ करता है, रक्त को शुद्ध करता है और विषैले पदार्थों को भी खत्म करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में फल का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम पिस्ता आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। शकरकंद आलू साबूदाना नारियल काली मिर्च सेंधा नमक दूध चीनी आदि पदार्थों को खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को मांस लहसुन प्याज मसूर की दाल चावल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन लकड़ी का दातून ना करें। ये था एकादशी व्रत का महत्व, एकादशी व्रत करने से क्या फायदा होता है, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कौन सी है, एकादशी व्रत के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है और एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए अच्छा काम, लेते रहिए सबकी दुआएं, एक दिन अपनी मंजिल जरूर जरूर मिलेगी। थैंक यू।